हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? सो गाइस, आज की वीडियो में छोटा सा ब्लॉग शेयर करूंगी। तो आज है संडे और सुबह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, तो मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की है। और संडे हम लोग ने काफ़ी अच्छे से इंजॉय किया। मैं बाहर थी और बाहर से जाकर 4 o'clock को आई और मैंने थोड़े से कपड़े मशीन में डाले थे, उसे वॉश किया। एंड देन आज मैंने बनाई है तहारी। और अब मैं करने वाली हूँ डिनर। अभी बज रहे हैं शाम के 7। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने तहारी कैसे बनाई है। इफ़ अगर आपको मेरी तहारी की रेसिपी देखना है तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शायद मे भी या फिर जब भी मैं तहारी बनाऊँ वो वाली तहारी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी फॉर श्योर। और बाहर पीछे से बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, तीनों काफ़ी ज़्यादा आई थिंक लड़ रहे हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको तहारी और करते हैं डिनर। सो गाइज, ये है मेरी तहारी जो कि मैंने बना लिया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी सी बनी थी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और बच्चों वो लोग ने भी कुछ भी नहीं खाया, तो जल्दी से मैं तहारी यानी कि डिनर फिनिश कर लेती हूँ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and on. Hi guys, good morning. Kaise aap sabhi log? So good afternoon. सो ये नेक्स्ट डे मंडे का शूट था। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने कपड़ों को तय मारकर फोल्ड कर रख दिया है। अरीना यान के, अलीशा के तीनों के कपड़े थे और बेडशीट्स वगैरह थे, तो उसे मैंने फोल्ड कर अलमीरा में रख दिया है। और चलिए मैं आज आपके साथ एक यानी कि मुगलाई खीमा पराठे की रेसिपी शेयर करूँगी। तो वो वाली रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो बेसिकली मैं इसमें नहीं बताऊंगी कि मैंने खीमा कैसे बनाया है। आपको नॉर्मली जिस तरह से आप खीमा बनाते हैं उस तरह से खीमा बना लें। थोड़ा सा मैं डिफरेंट बनाती हूँ क्योंकि मैं उसमें वेजेस भी ऐड करती हूँ। अगर आपको देखना है तो मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, मैं वो वेज वाली खीमे की रेसिपी भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये वाला मुगलाई खीमा पराठा जो है बहुत ही ज़्यादा यमी होता है, आप इसे दही के साथ, अचार के साथ खा सकते हो। तो चलिए फटाफट से हम बनाते हैं अपना मुगलाई पराठा। तो चलिए किचन में। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो खीमा जो है मैंने बना लिया है। इसमें मैंने थोड़े से वेजेस यानी कि गाजर और जो शिमला मिर्च होती है वो सारे वेजेस को इसमें ऐड किए हैं। सो अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हो या फिर नॉर्मल सा खीमा भी बना सकते हो। साथ ही मैंने यहाँ पर आटे को गूंद कर रख दिया था साइड पर। तो चलिए इसके बनाते हैं हम पराठे। तो यहाँ पर मैं एक बिग साइज़ का यहाँ पर पेड़ा ले लूँगी, आप आपके हिसाब से ले सकते हो। बस थोड़ा सा मोटा ही होना चाहिए क्योंकि इसमें हम स्टफिंग ऐड करने वाले हैं। तो आपको जिस तरह से रोटी बेलते हो उसी तरह से बेल लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे पतला ही बेलूंगी ताकि इसमें जब मैं स्टफिंग भरूं तो वो अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो
तो यहाँ पर मैंने खेमे को डाल दिया है और साइड से इस तरह से फोर स्क्वायर शेप में मैं पराठे को बना रही हूँ। आप चाहे तो राउंड भी बना सकते हो, जिस भी शेप का बनाना चाहो उस शेप का बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। थोड़ा सा फ्लोर को डस्ट कर कर यहाँ पर इसे हम हल्के हाथों से बेल लेंगे। आपको हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। और यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा मोटा ही होता है, पराठे जो है एक्चुअल में थोड़े से मोटे ही होते हैं। आप इसे घी बटर या फिर ऑयल के साथ इसे सेक सकते हो। तो यहाँ पर मैंने तवा भी रख दिया था गरम होने के लिए। तवा अच्छे से गरम होने के बाद ही डाले और इसे थोड़ा सा साइड पर सेक ले और उसके बाद टर्न कर कर इसमें आप लगा ले ऑयल। ये ऑयल के साथ ही बहुत ही अच्छे से बनता है। आप चाहे तो बटर का इस्तेमाल कर सकते हो, घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो ऑयल का ही इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही टेस्टी बना था गाइस, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड सो सॉरी ये काफ़ी 5 to 6 डेज़ के बाद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं शूट करूँ। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो कैमरे की जो क्वालिटी है काफ़ी ख़राब, आने नहीं दिया था राइट नाउ, अभी ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से आपका पराठा होने तक आपको सेकना है। काफ़ी अच्छे से ये कुक हो गया है एंड पीछे से आपको अलीशा की आवाज़ें आ रही होंगी, तो सो सॉरी गाइज। तो इसी तरह से मैंने सारे पराठे को रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सारे खीमे के पराठे जो है बना लिए हैं और ये था मेरा डिनर। तो इसे मैंने रात में ही बनाया था और मैंने इसे खाया था दही के साथ। आप दही के साथ अचार के साथ भी खा सकते हो एंड थोड़ा सा सलाद मैंने बना लिया था। सो गाइस यहीं पर मैं एंड करती हूँ मेरा ब्लॉग। वीडियो कैसी लगी बताएगा ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अभी के लिए बाय बाय।